नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो के अंदर हम इरिथ्रियो और थ्रियो रूप एक बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको निश्चित रूप से इरिथ्रियो और थ्रियो रूप लिखना आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो विधि है इरिथ्रियो और थ्रियो, इसमें उन यौगिकों के लिए ये प्रयुक्त करते हैं जिसके अंदर दो दो समूह समान हो और एक एक समूह क्या हो, अलग हो, यानी भिन्न हो। ऐसे यौगिकों को हम इरिथ्रियो और थ्रियो रूप कैसे लिख पाते हैं, इस वीडियो के अंदर देखेंगे। यदि हमारे पास ऐसा कोई यौगिक है जिसमें दो किरेल कार्बन हो और उसमें दो दो समूह समान हो लेकिन एक समूह क्या हो, एक एक समूह क्या हो, भिन्न हो, उसका थ्रियो और इरिथ्रियो रूप कैसे लिखते हैं। देखिए, जो भिन्न समूह हैं उन भिन्न समूहों को हम फिशर प्रक्षेपण सूत्र के अनुसार ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपर लिखते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लिखेंगे, और जो क्षैतिज हैं उनमें हम जो दो दो समूह जो समान थे उनको हम लिखेंगे। तो इस प्रकार यदि ये समान समूह एक ही तरफ हो, यानी कि ये समान समूह दाईं ओर हो या बाईं ओर हो, एक ही तरफ हो, तो उनको हम इरिथ्रियो रूप कहते हैं। और ये अगर अलग अलग दिशा में हो, एक बाईं ओर हो और दूसरा दाईं ओर हो, तो उसको हम थ्रियो रूप कहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अब इन उदाहरणों के अंदर आप दोबारा से इनको देख लीजिए किस प्रकार हैं। इसको इधर रखा है, एक दूसरे के विपरीत रखा है, तो ये भी क्या है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे, लेकिन इनके जो समान समूह हैं ये अलग अलग दिशा की ओर हैं, तो इसलिए ये थ्रियो रूप हैं। और उदाहरण देखें तो देखिए, थ्री ब्रोमो टू ब्यूटेनॉल का उदाहरण देखें, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन समान समूह एक तरफ हैं, इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन समान समूह एक तरफ हैं, और ये OH और BR है ये अलग हैं, और ये जो समूह हैं जो CH3 है ये ऊर्ध्वाधर रेखा पर रखे गए हैं। इसी प्रकार ये देखिए, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के विपरीत है और ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये थ्रियो रूप हैं। तो इस प्रकार इनके कुछ उदाहरण थे जो हम थ्रियो और इरिथ्रियो रूप लिख सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो समान समूह हैं, जैसे ये CH3 यहाँ पर हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भिन्न समूह है उनको ही आप ऊर्ध्वाधर रखें, लेकिन जो समान दो समूह होते हैं, कम से कम दो समूह समान होंगे और किरेल कार्बन दो होगा, वो इरिथ्रियो और थ्रियो रूप दर्शाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।